How are you all? Are you all fine? I hope you all are fine and safe at your home. Now, do you know from your English textbook which unit we are going to start? Today we are going to start unit number 7 from your English textbook. So, take out your English textbook and open page number 77. Which page number? 77. And do you know what is the name of this unit? Unit 7. A kite. Have you ever seen kite? Kite matlab kya hota hai? Patang. Here it is given picture of kite. Right? Aapko pata hai kite festival abhi aane wala hai. Kite festival kab aata hai? 14th January ko. Right? Tab aap kya karte ho? आसमान में बहुत सारी कलरफुल डिफरेंट डिफरेंट काइट्स देखते हो और आप काइट्स फ्लाई भी करते हो आपके मम्मी डैडी के साथ, राइट? तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सी लर्न एंड एंजॉय दिस पोएम. सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू लर्न एंड एंजॉय दिस पोएम, राइट? तो आपको यहाँ पे मेरे साथ रीड करना है. सी आई ऑफन, ये किसका स्पेलिंग है? ऑफन, एस आई टी सिट. एंड विश that I could be a kite up in the sky. यहाँ पे आपको नीचे एक बॉय का पिक्चर दिया हुआ है ना, सो वो बॉय बोल रहा है कि मैं कभी कभी बैठ के सोचता हूँ, क्या विश करता हूँ, कभी बैठ के विश करता हूँ कि मैं भी एक आसमान में काइट हूँ, राइट? काइट बनू. जैसे हमने वो यूनिट नंबर 7 में सीखा था ना कि बॉय क्या विश कर रहा था, एक एप्पल बनने की विश कर रहा था, और वो ऐसा सोच रहा था कि वो जब राइप हो जाए, पक्का हो जाए, तो वो गिर के एक बॉय को खिलाए, राइट? तो यहाँ पे बॉय है ना, वो ऐसा विश कर रहा है कि वो एक पतंग हो. अंडरस्टैंड? ऑफन मतलब बार बार वो सोचता है कि मैं बार बार बैठ के सोचता हूँ और विश करता हूँ कि I could be a kite up in the sky. मैं भी काइट बनूं और आसमान में ऊपर जाऊं. Up in the sky मतलब आसमान में ऊपर. And ride upon the breeze. Now breeze माने, breeze का मतलब क्या होता है? हवा, right? आपको पता है ना कि जब हवा चलती है तो काइट बहुत ही ऊपर ऊपर जाती है ना? तो वैसे हमें ऐसा लगता है कि काइट तो हवा में राइड करके मतलब हवा के ऊपर बैठ के ऊपर जा रही है. जब हवा चलेगी तो ही काइट उड़ेगी ऊपर. तो बॉय ऐसा सोच रहा है कि अगर मैं भी एक काइट होता तो ब्रिज के ऊपर बैठ के, हवा के ऊपर बैठ के जाता, राइट? कहाँ पे जाते? आसमान में हवा के ऊपर बैठ के जाता, तो कितना मजा आता. एंड विच एवर वे आई चांस टू ब्लो, और आपने देखा होगा कि जब जब जबी जबी वो एयर ब्लो होती है, जैसे ब्रीज आती है ना, उस साइड ही, उस साइड क्या होता है, पतंग जाती है ना? तो ऐसा बोल रहा है कि जैसे जैसे ब्रीज ब्लो हो, ब्लो मतलब हवाएं आना, राइट? ब्लो होना. जैसे जैसे ब्रीज ब्लो हो वैसे वैसे मुझे कोई भी डायरेक्शन में चांस मिले, वे मतलब रास्ता, कोई भी रास्ते में चांस मिले मैं जाऊं, राइट? वो ऐसा बोल रहा है कि हवा पे बैठ के किसी भी साइड वो ब्लो हो, मैं कोई भी साइड में जाने के लिए तैयार हूँ. बट आई वॉन्ट टू बी अ काइट, मुझे एक पतंग बनना है. तो आप भी इमेजिन करो कि अगर आप पतंग बनना चाहते हो तो आप क्या क्या करोगे? आसमान में एकदम ऊपर जाओगे और बर्ड्स के साथ फ्लाई करोगे, राइट? नाउ यहाँ पे कुछ वर्ड्स भी आए जो आपको न्यू वर्ड्स है वो आपको याद रखने हैं और इसका स्पेलिंग सीखना है. जैसे ये ऑफन, ऑफन का मतलब क्या होता है? बार बार, राइट? अगेन एंड अगेन. अब बार बार कोई काम करते हो तो आप क्या बोलेंगे? ऑफन. इट इज ओ एफ टी एन, बट टी इज साइलेंट, आप टी नहीं बोलोगे. ऑफ टेन ने, इट इज ऑफन. सिट का मतलब होता है बैठना. विश मतलब इच्छा, राइट? एंड आई कुड बी मतलब मैं बन सकता हूँ, मुझे बनना है. नाउ राइड, राइड का मतलब भी ऐसा ही होता है जैसे आप हॉर्स राइडिंग करते हो तो आप ऐसे घोड़े पे बैठते हो ना, तो इसमें क्या हो रहा है? ब्रीज राइड करना मतलब कि हवा के ऊपर बैठना, राइट? बैठना मतलब वो हवा कोई एनिमल नहीं है तो उसके ऊपर बैठे. बट काइट कैसे हवा में ऐसे ऊपर ऊपर चढ़ती है? तो ऐसा इमेजिन किया हुआ है ये लड़के ने कि हवा के ऊपर बैठ के मैं
आसमान में ऊपर तक जाऊं और एयर कोई भी डायरेक्शन में ब्लो हो, कोई भी वे, कोई भी चांस मिले, विच एवर वे आई चांस टू गो, आई चांस टू ब्लो, कोई भी वे, कोई भी रास्ता, आई विल गो, आई वॉन्ट टू गो, अंडरस्टैंड? नाउ आपको क्या करना है, इसके जो थोड़े से हार्ड वर्ड्स है, दैट यू हैव टू राइट इन नोटबुक, सी हियर लाइक दिस, ओके, एवरी टाइम यू हैव टू राइट लाइक दिस ओनली. देखो, हियर आई हैव डन कर्सिव राइटिंग. यहाँ पे अगर आपको कर्सिव नहीं आती है तो आप क्या करो, सिंपल राइटिंग में भी कर सकते हो, है ना. बट नेम ऑफ द यूनिट ये भी आपको लिखना ही है. उसके बाद हार्ड वर्ड्स, देन फर्स्ट मैंने लिखवाया अभी, ऑफन मतलब बार बार, ऑफन का मतलब क्या होता है, अगेन एंड अगेन. विश मीन्स आप इच्छा करते हो कि मुझे ये करना है, मुझे ये बनना है, तो दैट इज योर विश. राइड मतलब सवारी करना, ब्रीज का मतलब होता है हवा, ब्लो मतलब ऐसे ब्लो होना, जैसे हवाएं चलती है तो हम क्या बोलते हैं, ब्लोइंग, एयर इज ब्लोइंग. उसके बाद आ रहा है चांस्ड, देन सिट. तो ये ओनली द 7 वर्ड्स यू हैव टू लर्न एंड राइट, आपको लर्न भी करने हैं और लिखने भी है, अंडरस्टैंड? एंड सम वर्ड्स आर गिवन इन योर टेक्स्ट बुक ऑल्सो. देखो यहाँ पे भी आपके टेक्स्ट बुक में भी वर्ड्स दिए हुए. तो देखो फर्स्ट वर्ड क्या है, BLOW, ब्लो, देन ब्रीज, चांस्ड, दिस इज काइट एंड दिस इज सीट, राइट. नाउ सी, लेट्स रीड, मतलब चलो पढ़ते हैं, राइट. व्हाट इज रिटन, आई कैन फ्लाई अ काइट, मीन्स अगर आप कुछ कर सकते हो तो क्या बोलोगे, आई कैन डू दिस, आई कैन सिंग अ सॉन्ग, आई कैन रन. हियर आई कैन फ्लाई, FLY क्या होता है, फ्लाई, एक काइट. नाउ सी, आई लव टू सिट अंडर अ ट्री, मुझे ट्री के नीचे बैठना बहुत ही पसंद है, राइट. सिट का मतलब होता है बैठना, एंड अंडर मीन्स नीचे, राइट. नाउ लेट्स सी अनदर पेज, पेज नंबर 78. नाउ व्हाट इज दिस, रीडिंग इज फन. सो हियर सम क्वेश्चन आंसर्स आर गिवन, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं. इसके आंसर्स आपको नोटबुक में लिखने हैं. बट लेट्स डू दिस नाउ, लेट्स रीड द फर्स्ट क्वेश्चन. व्हाट डज द चाइल्ड विश टू बी, इसका मतलब क्या होता है, व्हाट डज द चाइल्ड विश टू बी. आपने ये पोयम अभी सीखी ना, उसमें एक चाइल्ड था, है ना, तो उसकी विश क्या थी, बी मतलब बनना, राइट. विश मतलब इच्छा, और व्हाट मतलब क्या, उस चाइल्ड की क्या इच्छा था, वो क्या बनना चाहता था. आपको पोयम में क्या दिखाई दे रहा था, वहां पे एक पिक्चर किसका था, काइट का, और वो बच्चा बोल रहा था ना कि अगर मैं काइट होता तो मैं क्या करता, ब्रीज के ऊपर राइड करके स्काई में जाता, है ना. तो इसका आंसर क्या हो सकता है, द चाइल्ड विशेस टू बी अ काइट. चाइल्ड क्या बनना चाहता था, एक काइट बनना चाहता था. सो यू हैव टू राइट आंसर लाइक दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट सेंटेंस मीन्स रीडिंग इज फन, हेडिंग यू हैव टू राइट, आफ्टर दैट क्वेश्चन इज रिटन एज पर द टेक्स्ट बुक. सी, व्हाट डज द चाइल्ड विश टू बी, राइट, कि एक चाइल्ड है वो क्या बनना चाहता था, तो यहां से आप स्टार्ट करेंगे. द चाइल्ड विशेस टू बी, ये तो आपको सेम रखना है ना. बट यहाँ पे जो डज लिखा हुआ है वो तो क्वेश्चन में होगा, अगर हम किसी को क्वेश्चन पूछेंगे तो बोलेंगे व्हाट डज द चाइल्ड विश टू बी, राइट. अब हम आंसर में इस डज को निकाल देंगे, और व्हाट मतलब क्या, काइट, है ना. तो हम स्टार्ट कहां से करेंगे, यहां से, द चाइल्ड विशेस टू बी अ काइट. समझ में आया, चाइल्ड है वो, उसको क्या बनना चाहता है, एक काइट बनना चाहता है. तो आप ये सेंटेंस लिखोगे, द चाइल्ड विशेस टू बी अ काइट. लेट्स रीड अगेन, हम आपको ये अगेन एंड अगेन रीड करना है, द चाइल्ड विशेस टू बी अ काइट, अंडरस्टैंड? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सी, व्हाट डज द चाइल्ड विश टू डू विद द ब्रीज. अब पहले तो यहां तक सेम ही है ना. व्हाट डज द चाइल्ड विश, बच्चा क्या चाहता है, किसके साथ, अभी देखो, टू डू विद द ब्रीज, ब्रीज के साथ बच्चा क्या करना चाहता था,
ब्रिज का यूज कैसे करना चाहता था, उसको क्या करना था ब्रिज से। तो देखो वो बोल रहा था ना कि वो ब्रिज के ऊपर राइड करना चाहता है और वो स्काई में ऊपर जाना चाहता है। तो ये भी इसके जैसा ही है। जब भी हम आंसर लिखते हैं तो ये डस निकल जाता है। व्हाट की जगह पे जो आंसर है वही लिखना है। तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे। द चाइल्ड विशेस टू राइड अपॉन द ब्रीज। व्हाट की जगह पे क्या जाएगा, राइड अपॉन द ब्रीज। अंडरस्टैंड, द चाइल्ड विशेस टू राइड अपॉन द ब्रीज, क्योंकि वो उसको ब्रीज के ऊपर राइड करना था, इसलिए राइड अपॉन द ब्रीज। ये पोयम में भी लिखा हुआ है। अगर आपने पोयम भी, आपको क्या करना है, पोयम भी अच्छे से रीड करनी है और उसको लर्न करना है। और ये जो टू क्वेश्चन आंसर्स है वो आपको नोटबुक में कंप्लीट करने हैं। जैसे फर्स्ट क्या है, चाइल्ड विशेस टू बी अ काइट। बी मतलब मैंने आपको पहले भी समझाया, बी मतलब बनना। जो एक स्टोरी, एक पोयम में बच्चा क्या बनना चाहता था, एक काइट बनना चाहता था। और ब्रीज के साथ वो क्या करना चाहता था, तो द चाइल्ड विशेस टू राइड अपॉन द ब्रीज, ब्रीज के ऊपर वो राइड करना चाहता था। सो दिस टू आंसर्स यू हैव टू रिमेम्बर एंड राइट विथ गुड हैंड राइटिंग। आपको नोटबुक में क्या करना है, ये क्वेश्चन आंसर्स को अच्छे हैंड राइटिंग से लिखने। देखो मैंने यहाँ पे कर्सिव तो किए है, बट इफ यू डोंट नो हाउ टू कर्सिव हाउ टू डू, यू कैन राइट इन स्क्रिप्ट लेटर। आप सिंपल कैपिटल और स्मॉल में भी लिख सकते हो, बट ट्राई टू डू दिस टाइप ऑफ हैंड राइटिंग, राइट। आप ऐसे हैंड राइटिंग करने की ट्राई कर सकते हो। नाउ लेट्स सी इन द टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक में क्या लिखा हुआ है, लेट्स टॉक। टॉक का मतलब क्या होता है, बात करना। नाउ सी यहाँ पे एक क्वेश्चन है, वो हम अभी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। व्हाट वुड यू लाइक टू बी, आप क्या बनना पसंद करोगे। अब यहाँ पे पोयम में जो चाइल्ड है उसकी बात नहीं हो रही है, आपकी बात हो रही है कि आप क्या बनना पसंद करोगे। तो ऐसी बहुत सारी थिंग्स होती है जो आप बनना चाहते हो, राइट। अगर आप कोई बहुत ही अच्छे बर्ड को देख लो तो आपको लगेगा कि मैं तो बर्ड बनना चाहती हूँ, क्योंकि वो आकाश में उड़ते हैं तो कितना मजा आता होगा। या किसी को कोई फिश देख के ऐसा लगता है कि आई वॉन्ट टू बी अ फिश, मुझे एक फिश बनना है जो समुन्द्र में पूरा दिन तैरती रहती है। या तो किसी को कलरफुल रेनबो बनना होता है कि वो सोचते कि मैं एक रेनबो होता तो कितना कलरफुल होता। तो हमें कुछ कुछ ऐसी ब्यूटीफुल थिंग्स देख के ऐसा लगता है कि काश मैं वैसा होता तो कितना मजा आता है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप जो भी बनना चाहते हो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, बर्ड, क्योंकि मुझे बर्ड बनना बहुत पसंद है। क्यों, क्योंकि बर्ड जो है ना वो उड़ के कहीं पर भी जा सकते हैं। अगर आपको बर्ड बनना अच्छा लगता है तो आप सोचो कि आप बर्ड बन के क्या कर सकते हो। आप बर्ड बन के कहीं पर भी जा सकते हो, आकाश में उड़ के अपने फ्रेंड्स के घर भी साथ जा सकते हो, है ना। और आपके नाना नानी के घर पे भी उड़ के जा सकते हो। तो I like to be a bird, मुझे बर्ड बनना बहुत ही पसंद है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे बर्ड लिखा है। अब देखो नीचे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इमेजिन यू आर अ बर्ड इन द स्काई। अब आप इमेजिन करो, राइट। अगर आपको बर्ड बनना पसंद है तो आप इमेजिन करो कि अभी आप बर्ड हो, राइट। एंड डिस्क्राइब व्हाट विल यू फील व्हेन यू सी अ काइट फ्लाइंग नियर यू। आप सोचो कि आप बर्ड हो और आकाश में उड़ रहे हो और आपके बाजू में एक पतंग है, एक काइट है, राइट। तो काइट को देख के आपको क्या लगेगा, आप सोचो कि बर्ड जो होता है वो काइट को अपने पास देख के क्या करेगा, वो काइट से दूर चला जाएगा। कभी कोई कोई बर्ड जैसे भी होते हैं जो काइट, और यस, देखो एक बहुत इम्पोर्टेंट थिंग मैं आपको बताना चाहती हूँ कि काइट फ्लाइंग से बहुत सारे बर्ड जो होते हैं ना वो इंजर्ड होते हैं। सो दैट इज नॉट गुड। आपको जो स्काई में बहुत सारे बर्ड्स हो वहां पे काइट नहीं उड़ानी चाहिए, है ना। आपको वैसे ग्राउंड में जाना चाहिए जहां पे कोई बर्ड्स दिखाई ना दे, वहां से आप देख सकते हो कि इस साइड कोई भी बर्ड्स नहीं है, तो आप उस टाइप के ग्राउंड्स में काइट फ्लाइंग कर सकते हो। बट यहाँ पे इमेजिन करने के लिए बोला है कि अगर आप बर्ड हो और आप इमेजिन करो कि आप क्या कर सकते हो। तो अगर मैं बर्ड होती तो मुझे डर लगता ना कि अगर ये काइट का थ्रेड है वो कट कर देता है मुझे, तो क्या करूं, मैं मेरी बीक से वो थ्रेड को कट करने की ट्राई करूंगी, या तो मैं काइट को तोड़ने की भी ट्राई कर सकती हूँ, है ना।
क्योंकि बर्ड्स काइट से बहुत डरते हैं, उसको लगता है कि इसका थ्रेड बहुत ही ऐसे धारदार है तो उसको कट लग सकता है, इसलिए वो बर्ड्स जो होते हैं या तो काइट के साथ साथ भी उड़ेंगे, या तो अगर बर्ड्स को काइट पसंद है तो उसके साथ उड़ेंगे, या उससे डर रहे हैं तो भाग जाएंगे, और या तो उसको गुस्सा आ रहा है मतलब उसको पसंद नहीं है तो उसको तोड़ने की भी ट्राई करेंगे। ये सिर्फ हम इमेजिन कर रहे हैं ना कि आप ऐसा करोगे। नाउ सी हियर, से अलाउड मतलब लाउडली आपको बोलना है। तो देखो यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, तो आपको इस वर्ड्स को अच्छी तरीके से बोलना है। देखो आई डी ई, हम इसको क्या बोलेंगे, आइड, आई डी ई आइड, एंड यहाँ पे आई टी ई है तो क्या बोलेंगे इसको, आइट, ये ड है तो आइट और ये टी है तो आइट, अंडरस्टैंड। तो देखो यहाँ पे क्या आया, ब्राइड, यहाँ पे डी है ना, सो वी विल स्पीक ब्राइड, बी आर आई डी ई ब्राइड, नाउ के आई टी ई काइट, आर आई डी ई राइड, एंड एस आई डी ई साइड, एस के वाई स्काई, कार्ट, सी ए आर टी कार्ट, नाउ दिस इज सी एच ए एन सी ई चांस, दिस इज डांस, फास्ट पार्ट। सो दिस ऑल वर्ड्स यू हैव टू रिमेम्बर, ओनली रीड एंड स्पीक, रीड स्पीक लाउडली, अंडरस्टैंड, इसको आप रीडिंग करो और लाउडली बोलो तो आपको ये याद रह जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या है, डू यू नो मोर वर्ड्स विद दिस साउंड्स, आपको क्या इसके जैसे साउंड्स के और वर्ड्स याद है, जैसे हाइड हो सकता है, वाइड, स्काई, फ्लाई, कार्ट, पार्ट, राइट, तो इस टाइप के वर्ड्स होते ही है, तो आप और वर्ड्स बोलो और आइडेंटिफाई करो कि ये कौन सा वर्ड्स है, तो आपको क्या होगा कि रीडिंग्स, आपकी रीडिंग स्किल भी बढ़ेगी। नाउ सी ट्रेस, ट्रेस ऑन दी रेन पैटर्न्स, यहाँ पे जो रेन के डॉट्स दिए हुए हैं ना, वो आपको क्या करना है, ऐसे ट्रेस करना है जल्दी जल्दी से, राइट, जैसे बारिश होती है तो उसकी बूंदे गिरती है, तो आपको ऐसे इसको ट्रेस करना है, डॉटेड लाइन दी है ना वहां पे। नाउ सी लेट्स शेयर, यहाँ पे आपको कुछ शेयर करना है, व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स दैट फ्लाई इन द स्काई, अब आप मुझे बताइए कि कौन कौन सी डिफरेंट थिंग्स होती है जो बर्ड के अलावा जो स्काई में फ्लाई करती आपको दिखाई देती है, व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स दैट फ्लाई इन द स्काई, तो क्या होते हैं, बर्ड्स होते हैं, फिर आपको काइट्स भी दिखती है, फिर क्या होता है, आप कोई कोई व्हीकल्स मतलब हेलीकॉप्टर देखते हो, एरोप्लेन देखते हो, ये क्लाउड्स देखते हो, है ना, तो बहुत सारी थिंग्स होती है जो आपको स्काई में दिखाई देती है। नाउ सी इफ यू हैड विंग्स वेयर वुड यू फ्लाई, अब आपने देखा ना कि आपको बर्ड बनना है, और यहाँ पे इमेजिन करो कि अगर आपके विंग्स हैं तो आप उड़ के कहाँ जाओगे, तो मैं अभी इमेजिन करके ऐसे बता सकती हूँ कि अगर मेरे पास विंग्स होते तो मैं अभी उड़ के स्कूल जाती, है ना, और आप मुझे बताओ कि अगर आपके विंग्स होते तो आप कहाँ जाते, आपको कौन सी प्लेस बहुत पसंद है, कोई बोलेगा कि वो मामा के घर जाते, कोई बोलेगा कि उसको कहीं पर घूमने जाना है, राइट, किसी को हिल पे जाना पसंद है तो बोलेगा मैं तो उड़ के हिल पे पहुंच जाऊंगा, तो सबकी अलग अलग चॉइस होती है, तो यहाँ पे आपको शेयर करना है कि किसकी क्या चॉइस है, अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, इट इज पेज नंबर 79, तो पेज नंबर 79 पे यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिया हुआ है, दिस इज डे स्काई एंड दिस इज नाइट स्काई, तो सी यूज द पिक्चर क्लूज, यहाँ पे आपको पिक्चर्स के क्लू दिए हुए हैं, टू ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ द डे स्काई एंड नाइट स्काई इन द विंडोज एंड कलर द पिक्चर्स, देखो यहाँ पे दोनों में विंडो दी गई है, अब ये दिन होता है तो आपको पता है कि डे स्काई जो होता है उसमें क्या क्या होता है, आप दिन में क्या देख सकते हो, सन होता है, उसके बाद आप क्लाउड्स भी देख सकते हो, देन रेनबो ऑल्सो यू कैन सी, तो आप यहाँ पे अच्छे से इसको ड्रॉ कर सकते हो। नाइट स्काई में क्या होता है, मून होता है, स्टार्स होते हैं, तो यहाँ पे आप इसको ऐसे आप एक छोटा सा मून ड्रॉ कर सकते हो, फिर यहाँ पे ऐसे स्टार ड्रॉ करो,
और आप उसको कलर कर सकते हो. अंडरस्टैंड, यहाँ पे आपको कलर भी करना है. उसके बाद जो डे होता है, डे स्काई, उसमें क्या होता है, सन, राइट. तो आपको जैसा भी ठीक लगे वैसा सन कर दो. फिर क्या होता है, अगर आपको क्लाउड ड्रॉ करना है देन यू कैन ड्रॉ क्लाउड ऑल्सो, राइट. आप ऐसे क्लाउड्स भी ड्रॉ कर सकते हो. और अगर आपको यहाँ पे ऐसे रेनबो ड्रॉ करने का मन हो तो आप यहाँ पे ऐसे रेनबो भी ड्रॉ कर सकते हैं. और यहाँ पे इसमें आपको क्या करना है, कलर फिल करना है. अंडरस्टैंड. तो आप ऐसा कुछ अच्छा सा पिक्चर ड्रॉ करके कलर फिल करो. नाउ सी ओवर हियर द नेक्स्ट. यू सी देम ऑल इन द स्काई, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स. तो ये सारी जो थिंग्स है वो आप स्काई में देखते हो, लाइक स्टार्स, सन, क्लाउड, रेनबो एंड मून. सो व्हाट इज दिस, विच पिक्चर इज दिस, इट्स अ सन, राइट. सो एस यू एन सन, दिस इज रेनबो. व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ रेनबो, आर ए आई एन बी ओ डब्ल्यू, दिस इज रेनबो. दिस इज मून, एम डबल ओ एन मून. दिस आर स्टार्स, एस टी ए आर एस स्टार्स. एंड व्हाट इज दिस, क्लाउड, राइट, सी एल ओ यू डी क्लाउड. तो ये सारे जो थिंग्स है आपको पिक्चर्स को आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद टेक्स्ट बुक में फिल करना है. अंडरस्टैंड. तो आज हमने क्या किया, हमने नोटबुक पे हार्ड वर्ड्स लिखे और क्वेश्चन आंसर्स भी लिखे, तो आपको वो लिख लेने हैं. और टेक्स्ट बुक में हमने क्या किया, सिर्फ ये, सिर्फ इसमें आपको ट्रेस करना है और ये पेज पे आपको कलर करना है और ये स्पेलिंग्स लिखने हैं. इजी, ये तो आप एक मिनट में कर लोगे, है ना. सो कंप्लीट योर होमवर्क एंड सेंड इट टू मी, राइट, विद गुड हैंड राइटिंग. थैंक यू.